हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कैमरा है, फिंगरप्रिंट है ना, तो भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। इस वीडियो में मैं आपके मोबाइल फ़ोन के फिंगरप्रिंट और कैमरा दोनों के लिए कमाल की ट्रिक लगाया हूं, जो कि मतलब कि समझ लो दोनों मिलकर कमाल के काम करते हैं आपके फ़ोन में, और ये देख कर आपको चौंक जाओगे। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देख के, तो इस वीडियो को स्किप या फिर मिस मत करना, नहीं तो ऐसी वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो यार इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलिए फटाक से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा अपने फोन में, जहाँ दोस्तों उस एप्लीकेशन का नेम है फिंगरप्रिंट कैमरा शटर। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, तो आपको इसे डाउनलोड कहाँ से करोगे मैं आपको बता दूँ, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये कमाल की ट्रिक है, यहाँ पे आप देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ, वैसे ही जो आपको करना है। इसे जब आप एक्टिवेट करोगे मतलब कि ऑन करोगे, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, और अगर आपसे कुछ परमिशन मांगेगा तो आपको परमिशन दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे ये बोलेगा एप्लीकेशन सेलेक्ट करने के लिए, तो आप अपने मोबाइल फोन का कैमरा सेलेक्ट कर लीजिए। जहाँ दोस्तों जो इनबिल्ड रहता है आपके फोन में आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो सर्कुलर शेप में बना हुआ है आपको इसे ला के यहाँ पे ये जो वाइट बैकग्राउंड है ना इस पर रख देना है। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं इस पे लाके इसको एकदम रख देते हैं। उसके बाद इसे ओके कर देते हैं। ओके कर दिया हमने, अब हमारा ये जो है एक्टिवेट हो चुका है। अब ये करता क्या है, अब दोस्तों अगर आप फोटो लेना चाहो सिर्फ आप अपने मोबाइल फोन के फिंगरप्रिंट ऐसे टच करो, ऑटोमेटिक जो है फोटो ले लेगा। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, जैसे ही मैंने फिंगरप्रिंट टच किया फिंगरप्रिंट पे, वैसे ही ऑटोमेटिक फ़ोटो ले लिया। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड का फोटो है, जो कि अभी आपके सामने ही क्लिक हो रहा है। अब आप अगर सेल्फी लेते हो तो आपको ये बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप ऐसे अपने फ़ोन को पकड़े रहो, उसके बाद जैसे ही पीछे जो है टच कर दोगे, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं सिर्फ ऐसे ही टच कर दो, ऑटोमेटिक आपका जो है कैमरा फ़ोटो क्लिक कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी की सारी अभी की फ़ोटो है ऊपर के पर्दे की, यहाँ पे आप देख लीजिए जैसे ही मैंने ऐसे करके टच किया तो बैक साइड का जो कैमरा है ना ऊपर की सारी फ़ोटोज़ ले लिया। तो ऐसे दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन के फिंगरप्रिंट से इजीली फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी कोई भी फेक एप्लीकेशन नहीं है, एकदम 101% जेन्युइन एप्लीकेशन है। तो जल्दी जाके आप इसे डाउनलोड कर लो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में ये फीचर होता है कि फिंगरप्रिंट से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में ऐसा फीचर नहीं होता, तो वो क्या काम कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।